हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ अर्चा दुबे। आई विल टीच यू साइंस क्लास 8th, चैप्टर नंबर 3, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे हम कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं और प्लास्टिक कैसे बनता है। ओके, तो सिंथेटिक फाइबर्स आपने जो 7th क्लास में आपने पढ़ा था कि किस तरह से हम एनिमल से फाइबर बनाते हैं और फिर उसका यूज़ किस तरह से करते हैं। ठीक है, अभी हमने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था जो कि होते हैं प्लांट के थ्रू, जिससे प्लांट से जो मिलते हैं वो हैं जूट और कॉटन। एनिमल्स जो मिलते हैं वो है सिल्क और वूल। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स, मतलब ऐसे फाइबर्स जो कि मैन मेड होते हैं, मतलब जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हुए हैं। ठीक है, तो उनमें आता है सिंथेटिक फाइबर्स। तो जो कपड़े हम आजकल पहन रहे हैं तो वो कॉटन भी है और वूल भी है, और उसके साथ में कुछ ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं जिससे ये कपड़े बनते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से कुछ फाइबर्स होते हैं जैसे सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो आपने जैसे जो जिनका है ना अलग से एक अलग होता है, बुनाई का तरीका अलग होता है और बनने का तरीका भी अलग होता है। ए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन चैन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टूगेदर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर्स। यहाँ पर एक कुछ होती है सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं उसमें एक चैन, स्मॉल यूनिट की एक चैन जो एक दूसरे से जुड़ती हैं और इस तरह से एक चैन बना लेती है। स्मॉल यूनिट के जुड़ने से एक चैन बनती है जिसको बोलते हैं पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स होते हैं जो उन्हीं से प्लास्टिक और उस और सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं। तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, मतलब फर्स्ट टाइप जो है वो है रेयॉन, कि अलग अलग तरह के जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उसमें फर्स्ट है रेयॉन, जो कि है ना कॉटन के थ्रेड को मिक्स करके बनाया जाता है, या जिसको हम बोलें कि नेचुरल फाइबर्स के साथ में मिक्स करके इसको बनाया जाता है। इसमें क्या करेंगे कि जो इसके जो टेक्सचर होता है वो इतना अच्छा होता है कि किसी को भी मतलब बनाने का तरीका या बुनावट का तरीका इतना अच्छा होता है कि किसी को भी बहुत अच्छा लगता है ये एकदम से, है ना। तो ये होता है, इसमें क्या होता है कि प्लांट जो होते हैं या किसी भी प्लांट या स्टेम का पल्प या डाल दिया जाता है और उससे उसके साथ में फिर इसको बनाया जाता है। तो ये कुछ नेचुरल भी होता है क्योंकि इसमें जो नेचुरल पल्प डाला जाता है, प्लांट के पल्प मतलब मिक्स स्टेम का पल्प जो डाला जाता है उसके थ्रू ये एक नेचुरल भी हो जाता है कि थोड़ा सा नेचुरल हो गया। इसके बाद में जो है आर्टिफिशियल सिल्क होता है, पर ये इसमें दूसरा थ्रेड जो होता है वो एक आर्टिफिशियल होता है यानी मैन मेड बना हुआ होता है, इसीलिए इसको रेयॉन को जो वो आर्टिफिशियल्स में लिया जाता है, आर्टिफिशियल फाइबर होता है ये। ठीक है, इट इज़ ए मैन मेड फाइबर, इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन वाइड वेराइटी ऑफ ए कलर्स। रेयॉन इज मिक्सचर विथ कॉटन टू मेक बेड शीट और मिक्सचर विथ वूल टू मेक कारपेट। अगर इस तरह का जो फाइबर होता है तो ये थोड़ा सा है ना, जो कॉटन होता है वो बहुत महंगा लगता है, सिल्क जो होता है वो बहुत महंगा मिलता है, तो ये वाला इसकी जो कॉटन ये रेयॉन जो होता है कपड़ा, इसकी जो वैरायटी होती है वो थोड़ा सा चीप होती है, थोड़ी सस्ती मिलता है और इसमें भी अलग अलग कलर मिलते हैं, और इसके साथ में जो रेयॉन होता है वो थोड़ा सा हल्का भी होता है, इसलिए क्योंकि इसमें कॉटन मिक्स होता है इसकी बेडशीट बना ली जाती है। अगर इसको कॉटन को मिला लिया जाता है इसमें तो इसको बोलते हैं पॉली कॉट, और अगर इसमें वूल मिला लिया जाता है तो फिर इसको बोलते हैं पॉली वूल। इस तरह से ये मिलता है नायलॉन जो है। अब उसके बाद में सेकंड जो है वो है नायलॉन इज अनदर मैनमेड फाइबर। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। ये एक तरह का नायलॉन जो है वो पूरा सिंथेटिक फाइबर होता है, इसमें कोई भी प्लांट या एनिमल्स का कोई का भी बिल्कुल यूज़ नहीं किया जाता है। इट वाज प्रिपेयर फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर। इसको बनाते हैं कोल वाटर और एयर से। इट वाज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर, ये एक पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर होता है। नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लाइट, ये हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और इसमें है ना मतलब आप इसको खींच भी सकते, थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाता है, जैसे खींचोगे तो बड़ा हो जाएगा। उसमें इलास्टिक जो होता है उसका एक तरह का गुण होता है। इट वॉज लस्टर्स एंड ईजी टू वॉश
सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ। ये जो धोने में एकदम सरल रहता है, इसीलिए इसका यूज़ मैक्सिमम लोग करते हैं गाय में कपड़ा बनाने में। वी मस्ट बी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट, टूथ ब्रशेस, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स आदि। इस तरह के यूज़ इसमें इसको बनाने में किए जाते हैं। इसके बाद में आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स, इसको इस बनाया जाता है, पैराशूट भी इसी से बनाया जाता है। रोप ऑफ रॉक क्लाइंबिंग, जो चढ़ाई के लिए पहाड़ियों पर जाते हैं उनके लिए भी जो रोप बनाई जाती है वो इसी से बनाई जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, इसका थर्ड टाइप है पॉलिस्टर या एक्रेलिक। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल ईजिली। इसमें जो है रिंकल, यानी जो हम सल पड़ जाती है ना जब हम कपड़े पहनते हैं, प्रेस करना पड़ता है, कॉटन की क्लॉथ पहन रहा है, सिल्क क्लॉथ पहनते हैं तो उसमें बीच में है ना रिंकल्स पड़ जाते हैं, हम बोलते हैं ये अच्छे नहीं लग रहे पहनने में, तो ये जो रिंकल्स होते हैं वो इसमें नहीं पड़ते, जल्दी से नहीं पड़ते हैं, तो ये कपड़ा इसलिए ये बहुत अच्छा रहता है पहनने में, लोग इसी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इसको इसका एक इस तरह से है ना यूज़ भी किया जाता है, टैरिलीन होता है इसका एक तरह से नाम, एक टैरिलीन इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर होता है जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन पीईटी, जिसको बोलेंगे पॉलीथिनिन टैरिफ्लेट, ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। इट इज़ ए यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। इसका यूज़ जो है वो बहुत सारे PET, जिसका यूज़ है बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि बॉटल्स बनाने में, यूटेंसिल्स यानि बर्तन बनाने में, फिल्म बनाने में, वायर्स बनाने में, और बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसको इसका यूज़ किया जाता है बनाने में, ठीक है ना, बास्केट बनाने में। और वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल और ब्लैंकेट इन द विंटर। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल, थ्रू दे अपियर्स टू रिसेम्बल वूल। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रेलिक। हमने देखा है बहुत सारे ब्लैंकेट या स्वेटर्स है, शॉल्स, ये सब बनाए जाते हैं, ये सब कहाँ से बनाए, ये भी बनाए जाते हैं जो कि सिंथेटिक फाइबर होते हैं ना, जो नेचुरल नहीं होते हैं, सिंथेटिक फाइबर से भी बनाए जाते हैं, जिसको कहते हैं एक्रेलिक। इस क्योंकि ये सिंथेटिक होता है इसलिए ये गर्म भी ज़्यादा होता है, तो इसका यूज़ कर लिया जाता है, इसमें कारपेट भी बनाने में करते हैं इसका यूज़। इस तरह से दे आर अवेलेबल इन ए वेराइटी ऑफ ए कलर्स, सिंथेटिक फाइबर्स आर ए मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक दैम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर। इसीलिए ये क्या होता है बहुत मतलब सस्ता भी होता है, अच्छा होता है, इसलिए इसका यूज़ जो है वो किया जाता है बहुत सारी चीज़ों के बनाने में। इसके बाद में है कैरेक्टर ऑफ सिंथेटिक फाइबर, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उसके कैरेक्टर क्या होते हैं। द इमेज इन यू रैनी डेज में आपने देखा होगा, वॉट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड वाई, अम्ब्रेला का जो यूज़ करते हैं वो मतलब कैसे क्यों करते हैं, उसका जो मतलब उसका जो क्लॉथ होता है उसका यूज़ जो होता है, क्लॉथ जो होता है उसका वो है ना सिंथेटिक फाइबर ही होता है, जो कि बहुत जल्दी सूख जाता है, हल्का होता है पहन उठाने में भी हल्का होता है और बहुत ज़्यादा सस्ता होता है। इस तरह से इसका यूज़ इसलिए इस अम्ब्रेला में किया जाता है इसका। इसके बाद में है प्लास्टिक्स, प्लास्टिक जो होता है ये भी एक तरह का पॉलीमर होता है, इसमें क्या होता है बहुत सारे जुड़े होते हैं एक के बाद एक यूनिट्स जोड़कर ही इसको भी बनाया जाता है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स, इफ इन दिस इट इन इन सैम इट इज लीनियर, वेयर आर इन अदर इट इज क्रॉस लिंक्ड। प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप एंड साइज। प्लास्टिक को हमने देखा है बहुत सारे शेप में और साइज में बने हुए, इससे बहुत सारी चीज़ें बना ली जाती है, जैसे कि है बकेट है, चेयर्स है, छोटे छोटे बच्चों के टॉयज हैं, इस तरह से इनको बना लिया जाता है। तो प्लास्टिक भी दो तरह की होती है, ठीक है ना, कुछ नाउ ट्राई टू बेंड ए पीस ऑफ ए प्लास्टिक योर सेल्फ, यू कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल्स
बी बेंड ईजिली. यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन बाइंड ईजिली वाइल सम ब्रेक वैन फोर्स टू बैंड. वैन वी एड हॉट वाटर टू ए प्लास्टिक बॉटल इट गेट्स डीफॉर्म्ड. सर आपने देखा होगा कुछ हम प्लास्टिक को मोड़ते हैं तो वो प्लास्टिक को मुड़ता है तो कोई ईजिली मुड़ जाता है कोई प्लास्टिक, पर कुछ प्लास्टिक ऐसा होता है जो ईजिली नहीं मुड़ता है और उसको अपन जब फोर्स लगाते हैं या थोड़ा सा दबाव देते हैं उसको मोड़ने के लिए तो वो मुड़ता नहीं है और टूट जाता है. इस तरह के ये दो अलग अलग तरह के प्लास्टिक हो जाते हैं, ठीक है ना. जो ईजिली मुड़ जाता है वो थर्मोप्लास्टिक होता है, जो ईजिली नहीं मुड़ता है उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ये दोनों तरह के अलग अलग होते हैं. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो इलेक्ट्रिक में, उसमें इलेक्ट्रिक भी कंडक्टर नहीं होता, इलेक्ट्रिक का और हीट दोनों का कंडक्टर नहीं होता है. इस तरह से उसके यूटेंसिल्स या बर्तन बनाते हैं आप जो बोलते हैं कि बैकेलाइट या फिर मैलेमाइन, इस तरह के दो तरह के ये होते हैं जो यूटेंसिल्स बनाने के काम आते हैं. बहुत सारे इलेक्ट्रिक का उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक के सामान भी बनाए जाते हैं. प्लास्टिक एज ए मटेरियल ऑफ चॉइस, यहाँ पर ये हल्का होता है, किसी भी चीज़ से रिएक्शन नहीं करता है और इसलिए इसमें बहुत पानी या मिल्क या है ना या फिर पिकल्स या ड्राई फ्रूट्स आज ये आप इसमें इजीली रख सकते हैं, ठीक है. तो और ये डर भी नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगा या इसमें जंक लग जाएगी, ये डर भी नहीं होता है. दिस इज़ ए बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, इसका हल्का वजन, वजन में हल्का होता है, लोअर प्राइस, प्राइस में कम होता है, सस्ता होता है. गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग, इसको तुरंत कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं हल्का होने के कारण. वेट और लाइट वेट होता है. इसके बाद में बींग लाइट एज ए कंपेयर टू मेटल्स, ये मेटल्स की अपेक्षा हल्का भी होता है. प्लास्टिक आर यूज इन ए कार, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट, इसका यूज़ इसके स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट और कार के बनाने में भी किया जाता है. प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव मतलब किसी भी चीज़ से रिएक्शन नहीं करता, जैसे पानी या फिर हवा, ठीक है ना. अपन ने रख दिया इसको, आयरन है, अगर कोई भी चीज़ जैसे आयरन रहता है तो अगर अपन उसको पानी में हवा में रख दिया जाता है तो तुरंत रिएक्शन करता है, जंग लग जाती है. इसमें हमको ये चीज़ इस चीज़ का डर नहीं होता है. इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये बहुत हल्का, प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है और बहुत मजबूत होता है और बहुत दिन तक चलने वाला होता है. इसलिए इसका यूज़ जो है वो बहुत हर चीज़ों में, हर चीज़ के बनाने में किया जाता है, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों के बनाने में किया जाता है. इसके बाद में प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट, तो प्लास्टिक जो है उसका जो यूज़ है वो एनवायरमेंट के लिए कैसा है. ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरली नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. एंड ए मटेरियल विच इज नॉट ईजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल. अब जो चीज़ है हमको मालूम है कि कोई भी बैक्टीरिया जो है वो किसी भी कटी हुई या मरी सड़ी हुई चीज़ों को इकट्ठा जब एक जगह पर कर दिया जाता है तो उसमें बैक्टीरिया जो है ग्रो कर जाते हैं और वो चीज़ को वो जल्दी से सड़ जाती है, डिके कर देते हैं, जिसके कारण वो चीज़ वहीं पर ख़त्म हो जाती है. पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसमें बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाते हैं और वो जैसी कि तैसी हज़ारों साल तक पड़ी रहती हैं, उन्हीं चीज़ में आती है प्लास्टिक, जो कि जल्दी से सड़ती नहीं, ख़राब नहीं होती है और हज़ारों साल तक वैसा ही रहता है. इसीलिए कहा जाता है कि यूज़ इसका प्लास्टिक का अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि ना मतलब एनवायरमेंट को कोई ख़तरा भी नहीं होगा, ठीक है. अवॉइड द यूज़ ऑफ ए प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, मेक यूज़ ऑफ ए बैग्स मेड ऑफ कॉटन जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग. द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली. यहाँ पर क्या होता है, हमको मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए ऐसी चीज़ों का जो कि कॉटन या जूट से बने हों, है ना. जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, तो मैक्सिमम हम जो बैग लेकर जाते हैं वो आजकल जो है वो प्लास्टिक के मिलने लगे हैं, तो हमको प्लास्टिक के नहीं ले जाके हमको कॉटन का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमको कॉटन का यूज़ करेंगे तो वो जल्दी से डिके हो जाएगा. बट जो प्लास्टिक होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो हमको और ऐसा भी करना चाहिए कि जो हम दोनों मतलब कचरा इकट्ठा करते हैं वो अलग अलग करें, जैसे सेपरेट करें, नॉन बायोडिग्रेडेबल अलग रखें और बायोडिग्रेडेबल जो है वो अलग रखें. इस तरह से जब वो दोनों को अलग अलग रखेंगे तो वो उसका डिकम्पोजिशन भी बहुत जल्दी होगा, ठीक है ना. तो कैसा लगा ये चैप्टर आपको, बाय.